नमस्कार भाइयों, लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो स्वराज 744 XT। इसकी व्हील बेस से लेके ऑल टोटल पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए, ट्रैक्टर, गाड़ी, बाइक, किसी भी तरह की, तो आप वीडियो का कमेंट में टाइप करिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही उसी व्हीकल के ऊपर लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के इंजन से। तो 744 XT का इंजन जो आपको मिलेगा, थ्री सिलेंडर इंजन मिलेगा। इसमें आपको 50 HP की पावर मिलेगी, 3478 CC का इंजन आपको देखने में मिलेगा। इसमें ये जो इसकी हाईएस्ट RPM रेटेड है 2000 RPM में, वाटर कूल्ड मिलेगा इसमें, एयर फिल्टर जो आपको है, आपको ऑयल बाथ मिलेगा। 44 PTO पावर में होने वाला है ये ट्रैक्टर। तो इसकी जो आगे की ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं हम, तो इसमें आपको ये स्लाइडिंग मैश मिलेगा, कॉन्टेंट मैश मिलेगा, ड्यूल और सिंगल क्लच, दो आपके पास ऑप्शन है, जिस भी आप ऑप्शन में लेना चाहते हैं मिल जाएगा। तो इसकी गियर बॉक्स की बात करें, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स में आपको मिल जाएगा ये। इसकी जो स्पीड है आपको हाई लो में मिलेगा। ब्रेक की बात करते हैं, इसमें ऑयल में डूबे हुए आपको ब्रेक मिल जाएंगे। स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा, नॉर्मल स्टेयरिंग में नहीं आएगा ये, पावर स्टेयरिंग आपको मिलेगा। स्टेयरिंग हाइड्रोलिक की रॉड देखिए आप, ठीक है जी, ये सिंगल साइड स्टेयरिंग होगा आपका, सिंगल साइड पावर स्टेयरिंग होगा, ठीक है जी। दूसरी आप इसके पावर टेक की अगर बात करें, पावर टेक इसमें 540 RPM और 1000 RPM जिसमें आप लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा। रिवर्स PTO मिल जाएगी, जो इसकी टाइप है रिवर्स PTO में ही आता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आएगा, आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। ये आपको रहेगा इसका जो ट्रॉली के लाइट वगैरह, किसी में लाइट भेजनी है तो उसकी रहेगी। ये टॉप लाइन जो ये इसके साथ में मिलेगी, काफ़ी हैवी क्वालिटी की टॉप लाइन रहेगी इसमें। और हुक का जो इसका एडजस्टेबल साइज होगा, कम से कम 1 फुट का हुक एडजस्टेबल साइज होगा, तो ये आप देख रहे हैं। बाकी जो हिच इसकी है जो PTO की, तो वो भी आप देख रहे हैं इसमें। ये आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा साथ में, और हाइलोजन लाइट जो एक्स्ट्रा साथ में मिलेगी पीछे के लिए। बाकी जो इसके डिपर हैं वो हाइलोजन बल्ब के साथ डिपर हैं इसके। और इसकी आगे की फ्यूल टैंक की बात करें अगर आप हम इसके, तो फ्यूल टैंक इसमें मिल जाएगा आपको, 50 लीटर तक का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, ठीक है जी। इसमें अगर वेट, डिमेंशन और वेट की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में 2070 किलो का आपको वेट मिलेगा टोटल ट्रैक्टर का, ठीक है जी। व्हील बेस से इसकी है 2096 mm का व्हील बेस है। इसमें ओवरऑल लेंथ मिलेगी आपको 3342 की, जो पूरी ट्रैक्टर की लंबाई है। ओवरऑल विड्थ इसमें मिलेगी, जो चौड़ाई है 1945 mm की मिलेगी। हाइड्रोलिक क्षमता इसकी 1700 किलो की हाइड्रोलिक क्षमता होगी पूरे ट्रैक्टर की। और 3 पॉइंट लिंकेज मिलेगी ADDC में। व्हील और टायर की बात करें तो ये 2-व्हील ड्राइव में आपको मिलेगा, 4-व्हील ड्राइव में अभी ये लॉन्च नहीं किया कंपनी में, 2-व्हील ड्राइव में मिलेगा। 616 के जो आपके फ्रंट वाले टायर मिलेंगे, और 750-16 के भी, 750-16 के भी मिल जाएंगे। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, 750-16 और 6, ठीक है जी। उसमें जो रियर टायर मिलेंगे आपको 1400-28 के मिलेंगे, ठीक है जी। बाकी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी फिलहाल कंपनी से 1400-28 के ही। टायर की जो कंपनी है गुडवियर, MRF, BKT, जो भी आप, आपका ऑप्शन में है, जो भी आप लेना चाहें उसमें मिल जाएगी। इसकी अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वारंटी इसकी 2000 घंटे या 2 साल, जो भी आपका पूरा होगा इसमें इतनी आपको वारंटी मिल जाएगी। लॉन्च है इस समय, जो शोरूम प्राइस इसका 7 से 7.5 लाख के अंडर में जो नंगा ट्रैक्टर पूरा मिलता है आपको, एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है जी। बाकी आपके एरिया के हिसाब से, डीलर के हिसाब से, एक्सेसरी के हिसाब से, जो भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा इसका जो प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है जी। और इसकी जो एक्स्ट्रा कुछ जानकारी दे हम आपको, तो ये ऐसे पुरानी शो में ही आएगा, हाइलोजन लाइट या फ्रंट वाली साइड रहेंगी इसकी। जो इसका बम्फर अभी फ़िलहाल कंपनी से फिटेड नहीं है, बाकी ये आपको बम्फर, छतरी और जो पटिया वगैरह सारी साथ में देते हैं। इसमें स्टेयरिंग आपको छोटे साइज का स्टेयरिंग मिल जाएगा, और एयर क्लीनर आपको यहाँ लगा होगा, देखिए साइड में लगा होगा, और सेंटर में स्टेयरिंग आपको छोटे साइज का स्टेयरिंग मिल जाएगा। और इसकी बात करें, ये देखिए आप, अगर पायदान देखें तो थोड़ा नीचे हैं, तो बाकी इसके जो सब ये देख सकते हैं, जो पैर रखने के लिए, जो आराम के लिए दिया हुआ ये, बाकी रेस की इसकी लीवर ये रही, बाकी क्लच आपकी ब्रेक की लीवर ये रही, क्लच आप देख सकते हैं सिंगल क्लच वो है। बाकी ये काफ़ी ऊपर दिया हुआ है सीट के पास जो लिफ्टिंग का है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आरामदायक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो लीवर ये दे रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, इसकी सीट दी हुई है, सीट पुराने मॉडल की है। बाकी इसमें एडजस्टेबल कर दिया, आप आगे पीछे आराम से कर सकते हैं सीट को,
ठीक है जी। अगर और इसकी हम जानकारी कुछ बताना चाहें, ये बैटरी बॉक्स जैसे पहले होता था वैसे ही इसका बैटरी बॉक्स दिया हुआ है। इसकी सल्फ सल्फ का आप पंप दे सकते हैं, सल्फ हो, और ये पंप आप देख सकते हैं, फिल्टर देख सकते हैं इसका। ऑयल फिल्टर इसमें वही 500 mg असेंबली के रहते हैं, और ये इसका थोड़ा चार्ट लगा हुआ है, जो भी मॉडल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, PPA जो भी इसमें लिखी रहती है वो तो यहाँ पर आपको दी हुई है। इस ट्रैक्टर के बारे में और कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे नंबर। और ये इसके मीटर जो आप देख रहे हैं, ये मीटर पे आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मली एनालॉग मीटर है, अभी डिजिटल इसमें कंपनी ने नहीं निकाला। और लुक इसकी जो पुरानी है, ठीक है, लुक में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और ये इसमें आपको एक्स्ट्रा देगा जो चार्जिंग पॉइंट, जो ये हर कंपनी ने अभी ये कर दिए हैं चार्जिंग पॉइंट, ठीक है जी। ये ग्राउंड PTO लीवर ये लगा हुआ, ग्राउंड PTO के साथ आपको ऑन ऑफ, ये लीवर PTO का लीवर है। और ये इसका व्हील देख सकते हैं आप, व्हील देख सकते हैं, बोल्ट देख सकते हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी का व्हील और बोल्ट। टायर इसमें गुडियर के डाले हुए हैं अभी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। चैनल में इसी तरह प्यार बनाए रखिए, प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।